हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा एंशंट हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे संगम पीरियड से। संगम पीरियड का टाइम पीरियड था फर्स्ट से लेकर थर्ड सेंचुरी एडी तक का। इसमें तीन किंगडम्स आए थे, एक था चेरा और एक था चोला, थर्ड था पांड्यास। जो चेरा थे उनका एम्बलम था वो, चोला का एम्बलम था टाइगर और पांड्या का एम्बलम था फिश। अब हम एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आते हैं चेरास। जो चेरा थे उन्होंने केरला और तमिलनाडु के एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था। इनकी कैपिटल थी वंजी और इनके जो मेन पोर्ट्स थे वो मुजरिस और टोंडी में थे। रोमन्स ने मुजरिस में दो रेजिमेंट्स भी सेटअप करी हुई थी, साथ ही साथ उन्होंने मुजरिस में एक टेम्पल भी बनवाया था जिसका नाम था टेम्पल ऑफ ऑगस्टस। जो चेरा के अर्लीस्ट नोन रूलर है उनका नाम था उदयांग्रल। अब उदयांग्रल का नाम उदयांग्रल कैसे पड़ा, क्योंकि ये माना जाता है कि कुरुकुक्षेत्र वॉर में उन्होंने आर्मीज की हेल्प करी थी, तभी उनका नाम पड़ गया था उदयांग्रल। उदयांग्रल उनको टाइटल दिया गया था, नाम नहीं था, उनको टाइटल दिया गया था उदयांग्रल का। चेरा के जो ग्रेटेस्ट रूलर थे उनका नाम था सेन गुतवन, उनको रेड चेरा भी बोला जाता है। उन्होंने पूरे के पूरे नॉर्थ को इन्वेड कर लिया था, नॉर्थ में उन्होंने गंगा रिवर को भी क्रॉस कर लिया था। जो चेरा रूलर थे उन्होंने एक कल्ट फाउंड किया था जिसका नाम था पटिनी कल्ट, जिसमें वो एक गॉडेस की पूजा करते होते थे जिसका नाम था कारनंगी। कारनंगी क्या है, कारनंगी एक वोमेन का नाम है जो कि तमिलनाडु की वोमेन थी, तो उसको वो गॉडेस मानकर उनकी पूजा करते थे, तो फिर उन्होंने पटिनी कल्ट भी फाउंड करा था। ये है एक मैप, थोड़ा धुंधला सा है, अच्छे से दिख नहीं रहा। तो ये वाला जो एरिया है ये चेरा वाला हो गया, ये सारा एरिया चेरा का। फिर ये ऊपर वाला हो गया चोला वाला एरिया, ये ऊपर सारा। तो ये नीचे आ गया जो तमिलनाडु वाला पार्ट आ गया, ये आ गया पांड्यास का एरिया। तो ये है चेरा, चोला और पांड्यास, तीनों के तीनों साउथ के किंगडम है। नेक्स्ट हम देखते हैं चोलास। चोलास जो किंगडम है उनको चोला मंडलम भी बोला जाता है। ये पांड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता था, पेनार और वेलार रिवर्स के बीच में। जो चोला किंगडम है, पेनार और वेलार रिवर्स, दो रिवर्स चलती थी, उन रिवर्स के जो बीच वाला एरिया था वहाँ पे चोला किंगडम सिचुएटेड था। चोला किंगडम में आ जाता है जो, अगर हम मॉडर्न डेज की बात करें, मॉडर्न डेज में तांजोर एंड तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट आते हैं चोला किंगडम में। इसकी जो इनलैंड कैपिटल थी वो थी उरायूर। उरायूर जो जगह थी वो कॉटन ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा कॉटन ट्रेड होता था वहाँ से। तो जो कॉटन ट्रेड होता था, कॉटन ट्रेड से जो पैसा आता था वही उनकी इनकम का उस टाइम पे मेन सोर्स होता था। इसके अलावा वहाँ पे एक मेन पोर्ट था पोहार। पोहार कहाँ पे पड़ता है, कावेरीपट्टनम में पड़ता है। तो जो पोहार था चोलास का वो एक मेन पोर्ट हुआ करता था उस टाइम पे, और पोहार को वो एज ए अल्टरनेटिव कैपिटल भी लेते थे कभी कभार जब उनको ज़रूरत पड़ती थी। जो अर्लीस्ट नोन चेरा किंग थे उनका नाम था इलारा। इलारा ने श्रीलंका को कॉन्कर करके वहाँ पर 50 साल तक रूल भी किया था। जो इनके ग्रेटेस्ट किंग थे उनका नाम था कारिकल। कारिकल ने पोहार सिटी फाउंड किया था। पोहार कहाँ पड़ता है, कावेरीपट्टनम में पड़ता है, और इन्होंने कावेरी रिवर के ऊपर 160 किलोमीटर की एम्बैकमेंट भी बनाई थी विद द हेल्प ऑफ 12,000 श्रीलंकन स्लेव्स। उनके पास अच्छी खासी नेवी थी, काफ़ी एफिशिएंट नेवी थी। और बाद में हुआ क्या, चोलास के साथ, चोलास पे पलवाज ने कर दिया अटैक नॉर्थ से, जिसके चलते हुए जो चोलास थे वो डिक्लाइन कर गए, चोला डायनेस्टी ख़त्म हो गई। फिर आते हैं पांड्यास। पांड्यास पहले ऐसे रूलर है जिनका मेगास्थीन्स में मेंशन किया हुआ है। तो ये जो पांड्या किंगडम था ये पर्ल्स के लिए काफ़ी फेमस था। जो पांड्या की टेरिटरी है उसमें आता है तिरुनवेली, रमांड एंड मादुराई, तीन डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं तमिलनाडु के, जो आज की डेट के में जो तमिलनाडु के तीन डिस्ट्रिक्ट्स है ना, तिरुनवेली, रमांड एंड मादुराई, ये आते हैं पांड्या की टेरिटरी में। इसकी जो कैपिटल थी वो थी मादुराई, जो कि वाइगई रिवर के किनारे पर सिचुएटेड थी। जो पांड्या किंग थे, पांड्या किंग रोमन एम्पायर के साथ अच्छा खासा ट्रेड करते थे और वहाँ से काफ़ी सारे पैसे कमाते थे। और रोमन एम्परर जो ऑगस्टस और ट्रोजन है वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ बंदे भी भेजे थे पांड्या किंग्स ने।
जो पांड्या है, पांड्या के जो मेंशन किया हुआ है रामायण और महाभारत में भी पांड्या किंग्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। पांड्या के जो अर्लीस्ट नोन रूलर है उनका नाम था मुदुकदूमी, और जो इनके ग्रेटेस्ट किंग थे उनका नाम था नेंदु जेलियन। अब नेंदु जेलियन जो किंग थे इनके, उन्होंने क्वालन पे चोरी का इल्जाम लगाया था। उन्होंने बोला था कि क्वालन एक चोर है। अब क्वालन कौन था? क्वालन जो कनंगी गॉडेस थी ना, हमने पढ़ी थी, कनंगी गॉडेस जो थी उनके हस्बैंड थे क्वालन। तो अब जो नेंदु जेलियन थे उन्होंने क्वालन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके चलते हुए जो कनंगी थी उन्होंने उनको, जो मादुराई की पूरी सिटी थी उनको श्रापित कर दिया था, जिसके चलते हुए धीरे धीरे पांड्यास का जो किंगडम था वो भी डिक्लाइन हो गया। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम संगम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।